जबलपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और एक रैली निकाली। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी नियमितीकरण की मांग को दरकिनार किया जा रहा है। लंबे समय से वह अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो फिर वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमारा सरकार से नियमितीकरण के लिए लगातार मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं और नियमितीकरण के लिए हमारी एक मांग है, एक ही मांग है नियमितीकरण। क्या क्या मांगे हैं? हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण। सरकार ने हमें 5 जून 2018 को दिया भी था, लेकिन आज तक माने मैदानी स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसी को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा, संभागीय अध्यक्ष, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।